शांतनु सर, यार आरआरबी ने जिस तरीके से वैकेंसी पहला जो दौर था बढ़ा तो दी है, बिल्कुल आपको क्या लगता है आगे कितनी संभावनाएं हैं और इंक्रीमेंटल? बिल्कुल 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 सर, अभी वही देख रहे थे हम, तो स्टार्टिंग में क्लर्क देखा जाए तो 5538 ये क्लरिकल पोस्ट की, अभी वो बढ़ के 5650 हो गई है। पीओ में 2484 इतनी आई थी, अभी 2559। ऐसी अलग अलग कैटेगरीज में भी देखा जाए, जीबीओ की हो गई हमारी, आईटीसी, तो इन सब में भी इंक्रीमेंट हुआ और टोटल जो स्टार्टिंग में 8612 ये बढ़कर के 8859 टोटल हो गई है। और अभी भी बहुत सारी ऐसी बैंक है जिन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं किया, तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है और पिछले अगर एक्सपीरियंस को ध्यान दिया जाए तो 9500 के अराउंड मेरी मुझे ऐसा लग रहा है कि 9500 के आसपास वैकेंसी और बड़े स्तर की वैकेंसी। सर कोई बच्चा अगर डेडिकेटेड लग गए एक बार शुरू कर दिया ना तो निश्चित तौर पे वैकेंसी आड़े नहीं आने वाली। नंबर तो बहुत अच्छा दिया है। Exactly. बैंक्स भी जिन्होंने रिपोर्ट दिया। अच्छा इसमें सर बहुत सारे बच्चे ये परेशान है कि उनके स्टेट में वैकेंसी कम है ना, इस पे आपको क्या लगता है? देखिए इसमें मुझे लगता है ये कि सबसे पहले आपके अगल बगल बहुत दूर नहीं जा रहे हैं कि आप आंध्र प्रदेश तमिलनाडु चुन लो, जहां आपको लगता है, क्योंकि एक ऐसी वैकेंसी होती है ना सर जहां पर आपको फिर उसी स्टेट में जॉब करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस माइंड मेकअप करके, इस माइंड मेकअप के साथ आप दूसरे स्टेट से फॉर्म को भरे, आप वहाँ पर मतलब जैसे आपके साउथ रीजन के हो तो साउथ के अपने आसपास नॉर्थ में हो अपना यूपी मुंबई बिहार में जुड़ी में से। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज और भी है बताता हूँ आपको। देखिए इस बार ये चीज तो हो ही गई है कि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, आप भले ही महाराष्ट्र, कई बार सर ऐसा एग्जांपल है जैसे यूपी में रहने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र में रह रहा है काफी सालों से रह रहा है ना, और स्कूलिंग उसकी यही यूपी की थी, तो वो फॉर्म भर सकता है क्या? बिल्कुल फॉर्म भर सकता है, क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो ना आपका डीवी जब होगा तो वहां पर आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो लिया जाएगा ना, जिसे एलपीटी हम बोलते हैं, और अगर उसमें आप नहीं भी सफल रहे तो 6 महीने का एक्सटेंशन तो मिलेगा, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए तो बहुत बढ़िया, तो वैकेंसी से रिलेटेड मुझे लग रहा है आप लोगों को कोई भी टेंशन करके लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तैयार है, बाकी हम लोग तैयारी है, क्लासेस चल रही है, सुबह भी आप देखते हैं 9 बजे 10 बजे मैथ और रीजनिंग क्लासेस होती है, शाम को 7 बजे 8 बजे मैथ और रीजनिंग क्लासेस होती है, तो जुड़े अंडर 24/7 यूट्यूब चैनल पे और ताकतवर तरीके से तोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट।